इसी फिल्म के लिए करना था जहाँ मैं बहुत मैडली पैशनेट हूँ उस कहानी को लेकर और दो पति वो ऐसी कहानी थी जो जर्म से लेकर आइडिया से लेकर आई वॉज विथ कनिका यू नो थ्रू द फिल्म. ऑल्सो आई थिंक मिमी के बाद कहीं ना एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉन्टेड टू फाइंड समथिंग जहाँ यू नो लेयर्ड हो इंटेंस हो. एज एन एक्टर आई फील सेटिस्फाइड और अपने आप को पुश कर सकूँ कुछ अलग कर सकूँ जो पहले कभी नहीं किया है. और बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल ले रही थी एंड आई फील एंड आई बिलीव दैट समटाइम्स व्हेन यू कांट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट रियली रियली एक्साइट्स यू यू गॉट अ क्रिएट वन. सो आई फील लाइक दो पत्ती वॉज दैट अपॉर्चुनिटी इवन एज एन एक्टर दैट आई फेल्ट दैट आई वॉन्टेड टू क्रिएट. एंड आई वॉन्ट थैंक कनिका फॉर क्रिएटिंग इट विद मी एंड फॉर गिविंग मी माई मोस्ट चैलेंजिंग रोल इवन एज एन एक्टर. एंड दिस जर्नी हैज बीन ब्यूटिफुल बिकॉज जैसे आप बच्चे को देखते हो ना पैदा होते हुए फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसके अलग अलग रूप उसी तरह से मेरी छोटी सी बटरफ्लाई जो है उसकी पहली कथा है आई वुड से. एंड जर्म से लेकर आइडिया से लेकर उसे स्क्रिप्ट बनते हुए देखना फिर उसे अलग अलग ड्राफ्ट से गुजरते हुए देखना उसका म्यूजिक उसका लुक वो किस तरह से पर्दे पर आती है वो सारी उस प्रोसेस का पार्ट होना I think was creatively very very satisfying and I hope कि मैं इसके बाद और ऐसी कई कहानियाँ सुना पाऊँ. अच्छा क्या बात है सर. कनिका आपसे मैंने जब कहा था कि ये फिल्म आप बहुत सारी लिखती हैं मुझे थ्रिल में मज़ा आता है बोरियत से डर लगता है. अच्छा और इनके कोई कैरेक्टर सीधे नहीं होते हैं. हाँ सो ये भी है कि कुछ ना कुछ लेयर्स रहते हैं थोड़े ग्रे रहते हैं विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग एज एन एक्टर. एंड आई थिंक हम सब ग्रे हैं यार कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ही कम लोग होते हैं. बट फॉर मी थ्रिलर इट्स अ जॉनर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट इवन मोर डिफिकल्ट टू डिरेक्ट बिकॉज यू हैव टू कीप द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट यू हैव टू कीप दम गेसिंग. एंड मैंने कभी इससे पहले थ्रिलर नहीं किए मेरी पहली थ्रिलर है. आई वुड नॉट कॉल दिस अ थ्रिलर आई वुड से इट इज़ एन इमोशनल ड्रामा थ्रिलर बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन इन इट देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा इन इट. थ्रिल एक एस्पेक्ट है टीजर थ्रिलिंग है बट फिल्म के अंदर बहुत इमोशन है. फॉर मी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार अच्छा इस जॉनर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक जो आइडिया है जो फिल्म कह रही है जो बात कहने की कोशिश कर रही है फिल्म जो फिल्म देख के पता चलेगा बट वो बात जो थी वो दिल के बहुत करीब थी. और दैट आई शेयर विद कनिका इनके पास एक आइडिया था इन्होंने दो आइडियाज़ को ऐसे मैरी कर दिया बहुत ही ब्यूटीफुली. और आई थिंक वो बात कहने का मन था उससे थ्रिलिंग जॉनर बन गया वो अलग बात है ना. मल्टीपल लेवल्स पे दो पत्ती है जी जी जी. वाह तो इसमें काजोल भी है वो आज हमारे साथ नहीं पर उन्होंने मेरे ख्याल से एक संदेशा भेजा है. सॉरी आई एम नॉट देयर फॉर दिस नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट बट वी हैड एन अमेजिंग टाइम ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर एंड आई होप दैट यू कैन सी इट व्हेन यू सी द टीजर. सो ऑल ऑफ अस बॉब मी कनिका कृति वी ऑल हैड सच अ गुड टाइम टुगेदर एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द टीजर.